मैं जानता था बख्तू ने कुछ नहीं किया, इसीलिए मोहसिन भाई को मैंने पहले ही कह दिया था कि जब उसकी तफ्तीश कर रहे हो तो उसके साथ नरमी से पेश आए। और निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बख्तू यहीं रहेगा और यहीं जॉब करेगा। कम से कम मुझे रात को फोन करके तो बता देना चाहिए था ना तुम्हें कि वो तकरीब में देर हो जाएगी। तुम्हें पता है कितना परेशान हो रही थी मैं। क्यों थी परेशान? क्या कयामत आ गई थी जो परेशान हो रही थी? दिन भर भी तो काम करने के लिए निकलती हूँ ना, बाहर कमाने के लिए निकलती हूँ। अगर रात में भी निकल गई तो क्या कयामत आ गई? परेशान हो रही थी, परेशान हो रही थी, परेशान। माँ पता तो है मैं काम के लिए निकलती हूँ, रात भर की नहीं सोई हुई मैं, माफ कर दो मुझे। मैं तो इसलिए कह रही थी कि हालात कितने खराब हैं आजकल, आए दिन सुनने को अजीब अजीब सी खबरें मिलती हैं, डर लग जाता है ना बेटा, वो लगता है हर तरफ दरिंदे फिर रहे हैं। इससे भी रात में लड़की का बाहर रहना अच्छा नहीं समझा जाता है हमारे माशरे में। बेशक वो मजबूरन घर से बाहर क्यों ना निकले, चार पैसे कमाने के लिए निकलती हूँ मैं, अपनी मर्जी से नहीं निकलती।